गोपालगंज जिले में लॉकडाउन का असर पूरे जिले में देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरतने के बाद लोगों में घरों में रहने को मजबूर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद सरकार ने पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया है, जिससे गोपालगंज जिला भी पूरी तरह लॉकडाउन हो गया है तथा जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के सभी मुख्य बाजारों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ आवश्यक चीज़ों को छोड़कर सारी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसके मद्देनज़र सभी जगहों पर बैरिकेडिंग कर लोगों को अनावश्यक तौर पर कहीं भी घूमने एवं घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है तथा आदेश नहीं मानने वालों तथा बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। वहीं हथुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि बैरिकेडिंग कर लॉकडाउन के मद्देनज़र अनावश्यक रूप से घूमने वालों से जुर्माना भी लिया जा रहा है, ताकि लोग डर से भी घरों में रहें, क्योंकि आज कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से देश प्रदेश गुजर रहा है। ऐसे लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि सभी लोग होम आइसोलेशन में रहें तथा प्रशासन का सहयोग करें। ये क्या है? ये बिहार को लॉकडाउन किया गया है, इसको लेके किसी भी तरह के आवागमन जो इमरजेंसी नहीं हो तो उस पर रोक है। लोगों को अपने घर में रहना है। सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी हमारा देश प्रदेश गुजर रहा है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग करके यहाँ जांच कर रहे हैं। जो अननेसेसरी लोग घूम रहे हैं बाइक से या कार से, उनको हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। जो बिना हेलमेट के है या जूता के है या सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए हैं, उनको फाइन भी कर रहे हैं, ताकि लोग इससे सबक लेके अपने घरों में रहें। और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि वह अपने घरों में बने रहें और सेल्फ आइसोलेशन में हर एक व्यक्ति अपने आप को ले, ताकि हम लोग इस संक्रमण के दौर से बाहर निकल सके। बाहर से सर जो गाड़ियाँ आ रही है दिल्ली और महाराष्ट्र वगैरह से जो कारें आ रही हैं, उसको भी जांच की जा रही है? हाँ, उसकी भी जांच की जा रही है। उसके ड्राइवर को हम लोग डॉक्टर से टेस्ट भी करवा रहे हैं कि बाहर से आए हैं तो उसमें कुछ उस तरह का लक्षण पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, उसके बाद ही उसको छोड़ा जा रहा है।